ऐसा बहुत कम ही होता है कि शासन ने निर्देश दिए और तत्काल ही उस पर अमल हो जाए, लेकिन राज्य शासन द्वारा एक आदेश जारी किया गया था जिस पर कलेक्ट्रेट में पदस्थ अधिकारियों ने तत्काल एक्शन लिया। इस संबंध में जिला कलेक्टर संदीप चिया ने तत्काल ही शिविर लगाकर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्ति की। अनुकंपा नियुक्ति के लिए एक शिविर लगाया गया जिसमें तत्काल प्रभाव से उनके आवेदन लिए गए और उन्हें नियुक्ति दी गई। इस संबंध में डिप्टी कलेक्टर ओम नमः शिवाय ने जानकारी देते हुए बताया कि राज्य शासन द्वारा उन्हें निर्देश प्राप्त हुए जिस पर उन्होंने तत्काल कार्यवाही करते हुए आज शिविर लगाया है और शिविर के माध्यम से पात्र लोगों को नियुक्ति दी गई है। आज प्रदेश में नवाचारों की श्रृंखला में कलेक्टर महोदय के निर्देशों पर चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पदों की हमारे द्वारा पहले गणना करवाई गई। एससी वर्ग में 4 पद खाली थे जिले में, एसटी में निरंक था, ओबीसी में भी निरंक था, लेकिन सामान्य वर्ग में 68 पद थे जिसके विरुद्ध किसी की भी नियुक्ति की जा सकती है। अतः चूँकि जिले में तृतीय वर्ग श्रेणी के संवर्गवार पदों की खाली संख्या इस समय निरंक है, तो ऐसे लोग जिनकी आयु सीमा पूरी हो रही है, 7 वर्ष हो गया है पिता या माता की डेथ हुए हो, ऐसे लोग अगर अपने से एक श्रेणी नीचे यानी भृत्य के पद के लिए पात्र होने पर संस्तुति देते हैं, तो ऐसे लोगों की नियुक्ति हेतु आज ये शिविर रखा गया था जिसमें अभी तक 10 लोगों की सहमति प्राप्त हो चुकी है। 2 लोगों ने अभी हाल ही में और बोला है, इस तरह से 12 लोगों को यहाँ पर नियुक्ति पत्र आज प्रदान किए जाएंगे सायंकाल 4 बजे। इसके अलावा कल राज्य शासन से एक और आदेश जारी हुआ था कि जो प्रोसेस सर्वर थे उन जिनकी भर्ती प्रक्रिया कई वर्षों से रुकी हुई थी नियमितीकरण की और सेवा में भी नहीं थे, तो ऐसे 5 प्रोसेस सर्वरों को भी आज यहाँ पे नियुक्ति प्रदान की जा रही है, सायंकाल 4 बजे उन्हें भी नियुक्ति पत्र प्रदान किए जाएंगे। और ये प्रदेश का एक अनूठा उदाहरण है कि कल शासन ने सर्कुलर जारी किया और आज हम लोगों ने 5 सदस्यीय जो समिति थी उसकी बैठक करके उनको नियुक्ति पत्र भी दे दी। ये निश्चित रूप से छतरपुर ज़िले की यहाँ के कलेक्टर सर की जन संवेदनाओं और जो विभिन्न विभागों में काम कर रहे हैं उनके प्रति एक श्रेष्ठ मानवीयता का उदाहरण है। थैंक यू।